नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं सड़कनामा.com। आज चूंकि मतगणना का दिन है और इस वक्त हम चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं, और क्योंकि सिरसा में 7 जगह पे ये कहूँगा जिले में काउंटिंग सेंटर हैं वो बनाए गए हैं, और अलग अलग जगहों पर ब्लॉक वाइज है वो मतगणना चल रही है, चाहे पंचायत समितियों की बात करें चाहे जिला परिषद के जोन की बात करें। और जो ये कह सकते हैं कि काफ़ी जगह नतीजे भी आ गए हैं और कई हैरान कर देने वाले और चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आए हैं ये कह सकते हैं, क्योंकि सिरसा ज़िले में आम आदमी पार्टी ने अपनी दस्तक दे दी है। ये बड़ी जानकारी आ रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी के अभी तक 5 जो है उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत चुके हैं जिला परिषद के जोन से, यानी कि 5 पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से, जिनमें से हम बात करें रानिया की तो वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी को वोट है वो मिला है। और हम आपको बता दें कि जो जिला परिषद का 6 नंबर जोन है जिसपे पूरे ज़िले की नज़र है वो टिकी हुई थी, उससे अभय सिंह चौटाला के बेटे करण चौटाला वो चुनाव जीते हैं और 699 वोटों से उन्होंने जिला परिषद का जोन नंबर 6 है वो जीत लिया है। और हमने आपको पहले ही सर्वे में बताया था कि काफ़ी कांटे का मुकाबला है वो वहाँ पे देखने को मिल रहा था। करण चौटाला की बात करें, राजकुमार नैन की बात करें और दिलीप घोड़ावाली को लेकर के भी, यानी कि तीनों जो है बिल्कुल जो है ये कहूँगा कि बिल्कुल नज़दीकी फाइट, और अंतिम जो 2 राउंड है वहाँ पे जो चुनाव है वो करण चौटाला है उन्होंने जीत लिया 699 वोटों, यानी कि करीब 700 वोटों से वो चुनाव है वो जीते। और हालांकि इस जोन को लेकर के यहाँ पे रणजीत सिंह चौटाला है, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, काफ़ी प्रयास किए, लेकिन ये कहूँगा कि अंतिम जो चरण के जो राउंड थे उनमें करण सिंह चौटाला ने विजय दर्ज की ये कह सकते हैं सीधे तौर पर। इसके साथ साथ चाहे हम नातूश्री चोपटा के जोन नंबर 12 की बात करें, उस जोन पर भी पूरे ज़िले की नज़र थी क्योंकि वहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल के विजेंद्र सिंह बैनीवाल है वो चुनाव लड़ रहे थे, और नंदलाल बैनीवाल है जो जमाल के पहले पूर्व में सरपंच रहे हैं वो चुनावी मैदान में थे, उन्होंने एक तरफा जीत हासिल की है। नंदलाल बैनीवाल उस जोन से जीते हैं 12 नंबर जोन से। उसी तरह से हम 13 नंबर जोन की बात करें, 13 नंबर जोन के बारे में भी हमने आपको बताया था कि बिल्कुल फसमा और कांटे का मुकाबला, और वहाँ से 125 करीब वोटों से संतोष बैनीवाल है उन्होंने जीत दर्ज की। यहाँ पे सुषमा बैनीवाल है वो चुनाव हारी हैं, हालांकि मुकाबला बेहद रोचक और कड़ा वो वहाँ पे देखने को मिला। इसी तरह से हम आपको बता दें कि सुभद्रा शीलू है वो चुनाव जीती, और दोनों ही महिलाएं हैं, क्योंकि शुरू जब चुनाव शुरू हुआ तभी से ही आइडिया लग रहा था कि दोनों चुनाव जीतेंगी, और सुभद्रा जो है शीलू है उन्होंने भी चुनाव जीत लिया। इसी तरह से हम जिला परिषद के जो डिंग मंडी का जो जोन है, यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि 14 नंबर, वहाँ पे राकेश सिंवर हैं वो 112 वोटों से वहाँ पे चुनाव जीते, और जो 15 नंबर जोन है जहाँ से पहले इंडियन नेशनल लोकदल के जिला पार्षद होते थे चानन सिंह, यानी ये जो इलाका है मोची वाली जोधका और कोटली सुचान ये जो इलाका है फूल का, यहाँ पे जो है कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि 19 नंबर जोन जो कि बड़ागुड़ा का जोन है, वहाँ पे बलजिंदर सिंह भंगू जो जेजेपी की खाते में भी एक सीट आती हुई दिख रही है। और इसके साथ साथ जो कालांवाली के जो जोन है वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है, तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि इस बार आम आदमी पार्टी है वो सिरसा में उन्होंने दस्तक दी है। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल के भी उम्मीदवार हैं वो अभी जीत दर्ज कर रहे हैं काफ़ी जगहों पर। अभय सिंह खोड की हम बात करें, अभय सिंह खोड हैं उन्होंने चुनाव जीत लिया है, और वहाँ से एलनाबाद से एक जहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है सीधे तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो ढूंढाड़ा है वो उनके साथ उनका मुकाबला था राम कुमार गोदारा है उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने चुनाव जीता। तो सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि बेहद रोचक और कड़े मुकाबले हैं वो आयोजित किए गए हैं, और लगातार हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम तमाम कंटेंट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।